एक मत्स्य अवतार विष्णु मनवादी और शास्त्रों को एक महाप्रलय के दौरान बचाने के लिए मत्स्य के रूप में आते हैं। दो कूर्म अवतार विष्णु मंदर पर्वत को समुद्र मंथन के दौरान सहारा देने के लिए कछुआ बनते हैं। तीन वाराह अवतार विष्णु हिरण्याक्ष दानव से पृथ्वी देवी को उद्धार करने के लिए वराह के रूप में बदल जाते हैं। चार नरसिंह अवतार विष्णु प्रहलाद के भक्त को बचाने और दानव राज हिरण्यकश्यप को पराजित करने के लिए आधा मनुष्य आधा सिंह बनते हैं। पांच वामन अवतार विष्णु बाली दानव को शांत करने और ब्रह्मांड में संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए बौद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होते हैं। छह परशुराम विष्णु दुर्जन और अन्यायपूर्ण क्षत्रिय शासकों को समाज से बाहर करने के लिए परशुराम के रूप में प्रकट होते हैं। सात राम विष्णु प्रियदर्शी राम के रूप में आकर दानव राज रावण को पराजित करने और उनकी पत्नी सीता को उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं, जिससे अच्छे को बुराई पर विजय होती है। आठ कृष्ण विष्णु द्वापर युग में कृष्ण रूप में आकर भगवद गीता में उपदेश देने और दिव्य कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं। नौ बुद्ध कुछ व्याख्याओं में विष्णु सिद्धार्थ गौतम के रूप में प्रकट होते हैं, जिन्होंने दया और बोध की शिक्षा दी। दस कल्कि यह विष्णु का भविष्य का अवतार है, जहां वह कल्कि के रूप में प्रकट होकर धर्म की पुनर्स्थापना करने और अंतिम युग में बुराई को पराजित करने आएंगे।